क्या है बोलो? मुझे मशरूम जाना है। यार रुको, अभी मत जाओ। अब क्या करोगे कैप्टन? अगर वो होता भी तब भी तुम्हारी टीम में सिर्फ 10 प्लेयर्स होते, 11 में अब भी एक कम। वो 11वां खिलाड़ी कहाँ से लाओगे? ये लोग यहाँ, विलियम हमारे टीम का हिस्सा बन चुका है। क्या फायदा, ये तो साइज में मुझसे भी छोटा है। नहीं ऐसी बात नहीं। ये है विली ग्लास। मेरा नाम विली ग्लास है, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी विली। अच्छा तो तुम्हारी इस छोटी सी टीम का आखिरी प्लेयर मैं हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ सही सुना, मेरे फुटबॉल यूनिफॉर्म पर मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर 10 चाहिए। और कोई नहीं मिला क्या? कोई ना होने से तो इसका होना बेहतर है। साफ़ कहो जोले। ठीक है वली, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तुम इस कह दो कि तुम मजाक कर रहे थे, गलत नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये मैच शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है रॉयल के करतब देखकर डर गए हैं बेचारे। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब रॉयल किसी स्कूल के टीम को हरा लेते हैं तो उन्हें तहस नहस कर देते हैं। अगर हम मैच हार गए तो हमारा भी यही हाल होगा क्या? मुझे डर लग रहा है। वक्त आने पर मैं उनसे बात कर लूँगी। वैसे ये बात मैं काफी दिनों से सोच रही थी। अच्छा, हमारे स्कूल में कोई खास बात भी तो नहीं? रॉयल जैसी टीम आखिर हमसे क्यों मुकाबला करना चाहती है? हमारी टीम तो उनसे कोसों दूर है, वो तो ठीक से खेल भी नहीं पाते। खेल खत्म होने के बाद सब साफ हो जाएगा। मार्क, मार्क, खेल शुरू क्यों नहीं हो रहा? वो जैक दरअसल बाथरूम गया है ना, बस अब इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसे इस वक्त बाथरूम क्यों भेजा? सॉरी सर, अभी बुलवाता हूँ। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ भी नहीं। ऊपर है क्या? मैं तो यहाँ भी नहीं होता। क्या कर क्या रहा है वो भी ऐसे वक्त पर? चलो बाहर आ जाओ। ओ सॉरी, इतना लेट हो चुका है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। डैनियल, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमें नन्हे मुन्नों से क्यों मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ कोई नया स्टूडेंट आया है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कमांडर चाहते हैं कि उसकी ताकत हम अपनी आंखों से देखें। बस इतनी सी बात है। अच्छा, कौन हो सकता है वो खिलाड़ी? छुप के बैठा होगा कहीं। छुप के? तुम्हारा मतलब है कि वो आज के मैच में खेलने नहीं वाला है? तो फिर हम उसकी ताकत कैसे देख पाएंगे जूट? वो सही मौके पर यहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ा तो सब्र करो। अच्छा जी, तो उसके आने के बाद हम उसका क्या करेंगे? अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे? शायद, वो तो कमांडर ही तय करेंगे। हमें तो उनका बस कहाँ मानना है, और खबरदार हारने के बारे में सोचना भी मत। कहीं मिला? कहीं नहीं। अरे गायब कहाँ हो सकता है? हमने तो सारे स्कूल टान मारा पर वो तो हमें कहीं मिला ही नहीं। वो लड़का अपने हाथ में खेल रहा है, मुझे लग रहा है उसमें भूत है। लड़ा बंद करो बैंडे, भूत भूत नहीं है, जरूर इसमें जैक छुपा है ना जैक? कैप्टन, वो रहा जैक कैप्टन। देखो यार, जैक हमारे छुप कर कोई फायदा नहीं, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो भी जोर से निकल पाऊंगा बोल गया हूँ मैं, मेरी मदद करो प्लीज। काम सुनो, ऐसे जा जाओ, तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी। मैं ना मुझको बंद करो, निकालो मुझे यहाँ से। क्या बात है जिमी, मैदान पर भी इसी तरह लाते मारते रहना। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, असल में मैं थोड़ा डर गया था। जैक, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत डरे हुए थे, पर अगर डर से भागोगे तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे, और ये बहुत गलत बात है। सॉरी कैप्टन, सच में सॉरी, मैं जरूर खेलूंगा और बिल्कुल नहीं डरूंगा। एक्सक्यूज मी,
मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ओके ठीक है। हाँ मैं शरिया हिल से स्कूल के जर्नलिज्म क्लब से बिल्कुल खुशी हुई। टीम में 11 खिलाड़ी आ गए हैं। बढ़िया बात है। तो अब क्या तुम्हें क्या लगता है ये जीतेंगे? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? पर शायद नहीं जीतेंगे, मुझे तो यही लगता है। था। तो पर जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ और उनके साहस को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद जीत पाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वाह क्या डायलॉग मारा है, इसे तो मैं स्कूल न्यूज़पेपर में छाप कर रहूंगी। सच में रॉयल एकेडमी और रेमोन मिडिल स्कूल के बीच का एग्जीबिशन मैच आखिर शुरू हो रहा है। ओके कैप्टन्स, कॉइन टॉस का वक्त हो चुका है। मिस्टर शाह कॉइन टॉस करें। हमें नहीं करना, दूसरी टीम से पूछ लो। क्या बात है, कॉइन टॉस भी नहीं करता है रॉयल एकेडमी को। अब मार्क इवेंट्स क्या करेंगे? माफ कीजिए पर आप हैं कौन? गर्ल्स मैं हूँ चेस्टर हॉर्स चेस क्लब से। प्यार से सभी चेस्टर कहते हैं मुझे। आज के शानदार फुटबॉल गेम की कमेंट्री की जिम्मेदारी मैंने ली है। पर मैं ये क्या कर रहा हूँ, समय बीता जा रहा है, बॉल सेंट्रल स्पॉट पर है और लगता है कि पहला किक रेमन मिडिल स्कूल लेंगे। कितना मजा आ रहा है, मैं तो बहुत बड़ी हस्ती बन जाऊंगा। हाँ अगर हमने ठीक से खेला नहीं तो ऑडियंस हम पर हंसती रहेगी। तुम लोगों को यहाँ मजाक सूझ रहा है, मैं तो यहाँ डर के मारे कांप रहा हूँ। Come on guys, ready? दिखा दो जलवा। Let's do it. और इस तरह गेम की शुरुआत हो चुकी है। ड्रैगन फ्लाई ने कार्सन को बॉल पास कर दिया है और अब शायद रेमन को एक बॉल नसीब हो जाए। क्या बात है, ड्रैगन फ्लाई के करतब को काफी हैरत अंगेज करने वाले हैं। ओए होए शायद जीतना इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पास करो केविन, जल्दी बॉल पास करो। मिल गया, लगता है हम जीत जाएंगे। नेथन काफी तेजी से गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लो केविन, मैक्स बॉल को गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये लोग। रॉयल की टीम को यह क्या हो गया है? अरे कोई तो लो। वाह क्या बढ़तरा था, पर ये क्या, ड्रैगन फ्लाई एक शॉट के लिए तैयार है। ये देखिए और क्या बेहतरीन किक था वो, दुनिया का सबसे अच्छा गोली भी नहीं रोक सकता उसे। अरे ये क्या, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये क्या हो गया, टीम निशाने पर लगते लगते चूक क्यों गया? हाँ जैसा सोचा वैसा ही हुआ। Hey Jude, मेरा काम खत्म और तुम्हारा शुरू। हाँ क्यों नहीं, तो तैयार हो रॉयल के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो ये लो। बॉल हाथ में आई नहीं कि रॉयल ने अपना पहला गोल कर दिया। क्या ताकत है, क्या प्लानिंग है, क्या यही है Inazuma 11 on Cartoon Network. Stay tuned as Inazuma 11 will return shortly on Cartoon Network. Cartoon. Hey, Mark. Sorry, really sorry. मैं बॉल को रोक नहीं सका। गलती तुम्हारी नहीं थी, उस बॉल को हम सब मिलकर भी नहीं रोक पाते। हार मानने में ही हमारी भलाई है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, अभी तो गेम शुरू हुआ है। धूल चटाएंगे उन्हें। पहला दौर पूरा हो चुका है और रॉयल एकेडमी के हैं 10 गोल, रेमन का एक भी नहीं। क्या हो रहा है ये? ये सब तो बात भी नहीं कर सकते। जरा उन लोगों को देखो, उनका पसीना तक नहीं छूटा। ऐसा हो कैसे सकता है? कैसे छूटेगा, भाग तो हम रहे थे। माना जैसे वो लोग अपना असली रूप अब दिखा रहे हो। बस बहुत हो चुका, गेम के दूसरे दौर में हम उन्हें भगाएंगे, समझे तुम सब? पर करेंगे कैसे, उनके पीछे डॉगी छोड़ दे क्या? मैं तो थक गया हूँ। हाँ, मैं भी अब और नहीं भाग सकूंगा। ऐसी बातें मत करो तुम सब, अभी तो गेम का दूसरा राउंड बाकी है। अब और खेल कर कुछ फायदा नहीं।
सभी हम हार जाएंगे। हमने तुमसे पहले ही कहा था मार्क, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तो सबको ये हो क्या गया है? चलो उठो सब लोग, गेम खत्म होने से पहले कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बहुत हो गया आराम, चलो आप उठो। मिस रेमन, क्या आपको वो बात याद आई जो आप बताने वाली थी मुझे? ये लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो होगा। समझ नहीं आ रहा वो अब तक आया क्यों नहीं। आएगा सर, सेकंड राउंड में वो जरूर आएगा। चलो बॉयज, सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, साइड बदल लो। आइए देखें सेकंड राउंड में रेमन रॉयल का मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं कि नहीं। रॉयल का किक ऑफ है इस बार। ओके गाइस, गैप जोन करना होगा। अगर वो सामने नहीं आएगा तो हम उसे आने पर मजबूर करेंगे। बॉयज उसके मैदान बनाने तक करते रहो। साइक्लोन आ जाओ, आ भी जाओ। अगर नहीं आए तो उस लड़के को देख रहे हो, उसकी हालत और खराब कर दे। ये लोग वो तो जैसे करना ही नहीं चाहते, वो तो मार को पूरी तरह मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये फुटबॉल नहीं है, ये लोग तो जंग लड़ रहे हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ, लग तो रहा है। मदद के लिए शुक्रिया, पर इन्हें मैं संभाल लूंगा। गोल रोकना मेरा काम है। अब तक तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं। इस बार गोल नहीं होगा। शॉट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो भी जा गिरे नेट में। अब रॉयल का स्कोर है 19 गोल्स। अब लेमन के लिए किक ऑफ कौन करेगा? इनकी ओर से अब सिर्फ बिल बचा है। क्या नजारा है। हार मान लो। अगर तुम्हें गोल भी नहीं मार सकते बच्चों तो घर चले जाओ, जाओ। गेम खत्म। शर्मनाक बात है, हमारी टीम उनके खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाई। इन्हें तो फुटबॉल का एबीसीडी भी नहीं आता। आता है हमें। गेम खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे हम। मार खाने का शौक है ये लो। ये का प्लीज मुझे माफ कर देना, पर इस बार मुझे इनकी मदद करनी होगी। और ये गोल, अब रॉय के हो गए हैं 20 गोल। हो चुका, और देखकर कोई फायदा नहीं होगा। रेमन फुटबॉल क्लब अब बंद करना होगा। हाँ? अरे अरे, हाँ
ये तो जी हाँ दोस्तों, ये है रेमन के नए स्टूडेंट जिनकी किक तो एकदम तबड़ा तोड़ है। इनका नाम है एक्सल ब्लेस। और ये रेमन के फुटबॉल क्लब की टी शर्ट पहनकर मैदान पर क्यों आया है, ये हो क्या रहा है यहाँ? अच्छा, तो रॉयल की टीम इसी को ढूंढने के लिए यहाँ आई है। रुको, तुम नहीं खेल सकते, तुम टीम का हिस्सा नहीं हो। छोड़ो भी, खेलने दो से, हमें कोई एतराज नहीं। अगर ऐसा है तो रेमन के फिर से 11 खिलाड़ी हो चुके हैं, मैच शुरू किया जाए। तुम ठीक तो हो? तुम देर से आए पर आ गए। लगता है रेमन की कहानी फिर से शुरू होगी, पर ऐसे वक्त पर नया खिलाड़ी आकर करेगा क्या? क्या बात है, इसी का तो इंतजार था मुझे। तो यही है वो, बहुत ही स्लो लगता है। चलो फिर से डेथ जोन। तो ये बात है। अरे ये क्या, एक्सल तो हाथ और बॉल दोनों से दूर भाग रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है? वो तो तेजी से दूसरी तरफ भाग रहा है। ये क्या, क्या ये रेमन की टीम की दूसरी महान हस्ती बनना चाहता है? वो भाग रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं बॉल रोक पाऊंगा, और बॉल को रोकने के बाद उसे मैं एक्सल की ओर ही मारूंगा। साल से इन अजूबा एलिफेंट की तरकीब को किसी ने नहीं आजमाई, वो किस लड़के ने कर दिखाया? अरे वाह, ये बच्चा तो अब बड़ा हो गया है। एक्सल, ये लो तुम्हारी बारी। और ये मार्क ने बॉल एक्सल को पास कर दी है। मुझे बताया गया है रॉयल अकेडमी की टीम ये मैच आगे नहीं खेलेगी। खेल खत्म हुआ। क्या कहा? इसका मतलब रेमन मिडिल स्कूल ये गेम जीत चुका है। हम जीत गए हैं। हम जीत गए। सच में ये नाम तो जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। एक्सल ब्लेस के आने से तो खेल का सारा नक्शा ही बदल गया। नहीं, मुझे लगता है कि खेल का नक्शा मार्क के आत्मविश्वास में बदला है। वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार ही नहीं था, और यही देखकर एक्सल मैदान पर आया। तुमने आकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। अब रेमन फुटबॉल क्लब बंद नहीं होगा। वेलकम दोस्त, अब तुम हमारी टीम का एक हिस्सा हो। तुम गलत समझ रहे हो मार्क। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? शुक्रिया, फिर मिलेंगे। कैप्टन, तुम उसे रोकोगे नहीं? नहीं, उसे जाने दो। अब जरा ऊपर तो देखो, हमारा अपना गोल, हमारा पहला गोल, ये गोल हमारे नए रेमन फुटबॉल क्लब की नई शुरुआत है। नई शुरुआत।